जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। आखिर क्यों हुई टाइगर और दिशा के खिलाफ एफआईआर दर्ज? क्या ताल्लुक है इस बात का फिल्म से? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बॉलीवुड के रूमर्ड कपल दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ पर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल मुंबई में लगे लॉकडाउन के बीच ये दोनों घूमते हुए पाए गए थे। न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से पता चला है कि जब पुलिस ने इनकी कार को बांद्रा में रोका तो बाहर घूमने का इन लोगों के पास कोई भी वैलिड रीजन नहीं था। इस पर मुंबई पुलिस ने दिशा और टाइगर के कोविड प्रतिबंधों के उल्लंघन करने के बारे में बताने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। इन दोनों एक्टर एक्ट्रेस की गैर जिम्मेदार हरकत पर मजेदार तरीके से व्यंग किया। हालांकि मुंबई पुलिस ने अपने ट्वीट में दिशा और टाइगर का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने रेफरेंस ट्वीट में इनकी पॉपुलर फिल्मों के नाम का सहारा लेकर मजेदार ढंग से जानकारी देते हुए लिखा, मुंबई पुलिस ने दूसरे लोगों को भी कोरोना महामारी के बीच बिना मतलब की हीरोपंती से बचने के लिए आगाह करने वाली चेतावनी भी दे दी। अपने ट्वीट में मुंबई पुलिस ने लिखा, वायरस के खिलाफ चल रहे वॉर में बांद्रा की सड़कों पर मलंग की तरह बांद्रा की गलियों में घूमना दो एक्टर को भारी पड़ा। इन पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 188 और 34 IPC की धारा में मामला दर्ज किया गया है। हम सभी मुंबई वासियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि बिना मतलब की हीरोपंती से बचे, जिससे COVID-19 में आपकी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का खतरा पैदा ना हो। तो आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने अपने ट्वीट में सीधे सीधे इन एक्टर्स का नाम नहीं लिया, बल्कि इनकी फिल्मों के नाम से ही इनके बारे में जानकारी देते हुए कटाक्ष किया है। मंगलवार शाम को दिशा और टाइगर जिम से लौटने के बाद अपनी कार में बांद्रा बैंड स्टैंड के चक्कर लगा रहे थे, तभी पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। इस दौरान टाइगर कार के पीछे बैठे थे जबकि दिशा पाटनी आगे बैठी हुई थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया था। हीरोपंती 2 में टाइगर काफी स्टंट्स करते दिखने वाले हैं और वैसे भी ये अपनी हर फिल्म में स्टंट्स करते ही हैं, तो इसलिए ही जब वे दिशा संग पकड़े गए तो मुंबई पुलिस ने उन्हें हीरोपंती नहीं करने की दे दी सलाह। वे इंटरनेट पर ट्रोल भी हो रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि टाइगर ने इसको रियल लाइफ स्टंट जैसा सोचकर किया है और उन्हें नियमों का उल्लंघन करना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि टाइगर खुद को सुपर हीरो समझने लगे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या टाइगर ने ऐसा जानबूझकर किया होगा? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। आज की स्क्रिप्ट राइटर है संस्कृति जलान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।